सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला स्नैपचैट के बारे में कि दोस्तों, अगर आपने स्नैपचैट में फ़ोटो शूट कर रखी है या फिर कोई वीडियो बना रखी है और आपका स्नैपचैट डिलीट हो जाए या फिर आपका फ़ोन फॉर्मेट करना पड़े या फिर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हो, तो क्या आपका फ़ोटो एंड वीडियो वापस आएंगे? तो इसका आंसर है यस, ज़रूर वापस आएंगे। और वो होगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने भाई का सपोर्ट करो, ताकि इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको लोगों के लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कौन कौन से स्टेप हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहले आपको स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है लॉगिन का और दूसरा है साइन अप का। और आपको लाना है अपना पुराना अकाउंट जो डिलीट हो चुका है, तो आपको लॉगिन पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी लिख देना है, और आपने अगर ईमेल आईडी से इसकी आईडी बनाई है तो ईमेल लिख देना है, अगर आपने नंबर से बनाई है तो नंबर लिख देना। और ध्यान रहे, आपको वही आईडी ईमेल या फिर नंबर लिखना है जो आपने पहले डाल रखी थी। और अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, आपको फॉरगेट पासवर्ड पर ओके कर देना है। आपने दोनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन को यूज कर रखा है उसी पर ओके कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उसे फिल कर देना है। अब आपको एक 8 नंबर का नया पासवर्ड बना देना है जो आपको याद रहे और ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर फिर से वही पासवर्ड डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर लेना। अब आपके पहले जितने भी फ़ोटो थे वो वापस आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।